हेलो फ्रेंड्स, शहतूत गर्मियों के मौसम का एक ठंडा फल है। ये काला, लाल, सफ़ेद तीन तरह का होता है। सफ़ेद शहतूत की मिठास ज़्यादा होती है और काले लाल शहतूत की मिठास कुछ कम होती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट गुण इनमें अधिक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शहतूत का रस मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी कुछ खट्टा होता है। ये गुरु यानी कि पचने में भारी है और इसकी तासीर ठंडी है। ये मूत्रल यानी कि पेशाब को बढ़ाने वाला, रक्तशोधक यानी कि खून को साफ करने वाला और पौष्टिक है यानी कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है। शहतूत चक्कर आने की समस्या, कब्ज को दूर करने के लिए, मुंह के छालों की समस्या के लिए, दिल की कमजोरी की समस्या में, पेशाब की जलन को दूर करने के लिए और अरुचि को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद फल है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलता है। साथ ही इसमें बहुत से फाइटोन्यूट्रिएंट जैसे कि ज़ीज़ैंथिन और ल्यूटिन भी मिलते हैं, जो कि मैकुलर डीजनरेशन को कम करके विजन शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि देखने की शक्ति यानी कि आई साइट को बढ़ाने में मददगार हैं। और बहुत सारे एलोपैथिक डाइटरी सप्लीमेंट में ये दोनों चीज़ें पड़ती हैं। ये दोनों ही चीज़ें शहतूत में नेचुरली भरपूर मात्रा में मिलती हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत से पोषक तत्व जैसे कि रिसोट्रॉल और एंथोसाइनिन मिलते हैं, जो कि एंटी एजिंग और एंटी कैंसरस हैं। साथ ही ये हेयर फॉलिकल की ग्रोथ और बालों के कलर को मेंटेन करने के लिए भी अच्छे हैं। शहतूत में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये कब्ज को दूर करके भूख बढ़ाने में भी मददगार है। शहतूत ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए ब्लड क्लॉट की समस्या कम होती है और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। इसके अलावा विटामिन सी होने से इम्यूनिटी बढ़ाता है और इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए ये वर्कआउट करने वालों के लिए पोस्ट वर्कआउट स्नैक के तौर पर बहुत अच्छा है। इसकी डेली मात्रा 50 से 100 ग्राम है, इसलिए शहतूत को जब भी गर्मियों के मौसम में आपको मिले इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा फल है और ये शुगर वालों के लिए भी ब्लैक काला शहतूत नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू।